लोकसभा चुनाव अब तीसरे चरण के अंतिम दौर में है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी राजनीतिक दल, सभी प्रत्याशी अपने पूरे दम के साथ इस आखिरी दिन चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के समसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा चल रही है, जनसभा हो रही है। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि चुनाव तीसरे चरण का जो चुनाव है, जो 7 मई को मतदान होना है, उसको लेके वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई है, किस तरह का माहौल है, क्या करना चाहेंगे? माहौल बहुत अच्छा है भाई साहब, माहौल में कोई कमी नहीं है। 4.5 लाख वोट बीसी का है, जो बैकवर्ड कहा जाता है, वो सीधा क्या कहते हैं बीजेपी के अकाउंट में जाएगा, वो कोई सेंध लगा नहीं सकता उसमें। 4.5 लाख जो बीसी का वोट है सीधा बीजेपी के अकाउंट में जाएगा। क्या वजह मानते, क्यों जाएगा? क्यों जाएगा, क्यों? आप नेता नहीं देख रहे हैं, एसपी सिंह वगैरह हैं, वो वोट कट सकता है? वो वोट कैसे कटेगा नहीं? ये आए किस लिए आए? ये वोट साधने के लिए आए? ये वोट सही जाएगा नहीं? केशव जी की जो जनसभा है उससे असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। किसी समाज का नेता होता है, वो आता है तो फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पड़ता, वो बिल्कुल फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ गठबंधन प्रत्याशी है, बसपा प्रत्याशी है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो पार्टी से जुड़े हुए, भाजपा से जुड़े हुए हैं। गठबंधन जो प्रत्याशी है वो तो आप उनको देखना तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जाएंगे। आप मंडल अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात कर लेंगे, लोगों से बात करो, पार्टी पदाधिकारी अलग विषय है। आप परिचय दे दीजिए। रविंद्र भदौरिया मंडल अध्यक्ष हूं, पार्टी के पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी हैं। किस तरह का माहौल है, केशव जी की जनसभा कितना सफल? माहौल तो हमेशा ही हम लोगों का रहता है, हम लोग निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, निरंतर आते जाते रहते हैं, जनता हमारे संपर्क में रहती है, हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं पार्टी का जब भी दुख सुख का जब भी समय होता है तो हम लोग दुख सुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आ गया, इतने दिन जो मेहनत की है, किस तरह से आप उसका नतीजा देख रहे हैं? हम लोग जो मेहनत तो हमेशा ही करते रहते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहकर हमेशा मेहनत करते हैं हम लोग, और आज जो है उसी मेहनत का परिणाम है। आप देख रहे हैं कितना जनसमूह बढ़ा है हम लोगों के साथ, तो जनता भले ही कोई दबाव बनाए या कोई किसी भी तरह का कोई भी पार्टी उनको गुमराह करे, लेकिन गुमराह नहीं होती, जनता जानती है कि मेरी वास्तविकता क्या है, कि मोदी जी और योगी जी की सरकार में जनता इस प्रकार से रह रही है, भगवान के राम के राज्य में जिस तरह से सुख का अनुभूति करती थी उसी प्रकार आज भी जनता सुख का अनुभूति कर रही है। आपसे बात करते हैं, आप भाजपा के गठबंधन के साथी हैं, एनडीए गठबंधन साथी, क्या नाम है आपका? केपी सिंह चाहर। चाहर साहब, अब चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया, अब वो मतदान होना है, आज चुनाव प्रचार आखिरी दिन है, किस तरह से पूरा देख रहे हैं? आपके गठबंधन के साथी हैं, आप पूरे चुनाव में साथ रहे हैं, किस तरह से? जीत पक्की है राजकुमार भाई साहब की, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसमें ये है कि प्रत्याशी वही जीतता है जिसे सात ओवर का, सात ही जुड़ का, सर्व समाज का सहयोग मिलता है। ये प्रत्याशी ऐसे हैं और कमल का फूल का निशान ऐसा है जिसको हर बरादरी, हर समाज सब तरह से सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय लोक दल के साथ आने से क्या असर पड़ेगा? इस पर असर पड़ेगा, वोटों की संख्या और बढ़ गई पहले से। आप लोगों ने मेहनत की चुनाव में? हाँ जी, मेहनत की है, बिल्कुल परिणाम निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, जीत होगी पक्का। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा। अच्छा, आप भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, आखिरी दिन है, इतने दिन मेहनत चली है, चुनाव प्रचार की भागदौड़ चली, क्या कुछ निकल के आ रहा है? योगी जी और मोदी जी की डबल सरकार में इतना विकास हो रहा है, उससे प्रेरित होकर सारी जनता, गरीब तबका, हर वर्ग वोट देने को उत्सुक है। क्या मुद्दे, क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मुद्दे शिक्षा और महंगाई, वही दो ही मुद्दे हैं। विकास, विकास मुद्दा है, विकास सबसे अधिक हुआ है, एक्सप्रेस वे इतने निर्माण हुए हैं, मोदी जी के घर घर चूल्हा है, सम्मान निधि है, सब योजना है उनकी। बात कर रहे हैं भाई जी, आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह जी। आप भाजपा पदाधिकारी हैं? नहीं, बदला नहीं, आप स्थानीय है यहाँ सर। तो आप चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, इतने लंबे दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, केशव जी आए हैं, जनसभा चल रही है, कितना कुछ समझ रहे हैं कि चुनाव में निकल के आने वाले? बहुत जो लोगों में उत्साह है, मौर्य जी आए हैं यहाँ पे, और फतेहपुर सीकरी के सांसद लोकप्रिय राजकुमार चाहर साहब बहुत बड़ी योजना लेके आए हैं, बरसों पुरानी योजना थी, दिक्कत थी पानी की, यहाँ वो गंगा जल लेके आए हैं, जनता में बहुत उत्साह है, पानी से यहाँ का बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आप योजना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गठबंधन प्रत्याशी है, बसपा प्रत्याशी है, और आप ही की पार्टी के जो विधायक हैं उनके बेटे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो किस तरह से देख रहे हैं, कितना कुछ समीकरणों बदलाव होगा या पहले जैसा जो माहौल है जीत है वो बनेगी? कोई माहौल नहीं है, कोई वो नहीं है, बहुत मोदी योगी जी की बहुत लहर है, जनता समझती है,
जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के जो तुमसे लड़े हैं वो एक बेमनुष्यता से लड़ रहे हैं, खाली टांग खिंचाई कर रहे हैं और कुछ काम नहीं। वो पार्टी के विधायक थे, पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं, 19 में उनकी टिकट कट गई जो लड़ना चाहिए था, ये तो उनकी मानसिकता का वो है। तो देखिए सारे लोग हैं पार्टी के पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव आज अंतिम दिन में है, अंतिम दौर में है, चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और 7 मई को यानी कि परसों मतदान होना है आगरा लोकसभा सीट, फतेहपुर सिंह लोकसभा सीट पर। और ये मतदाता जो लगातार पिछले करीब एक महीने से नेताओं के प्रचार को और वायदे और इरादों को सुन रहे थे, अब उनके निर्णय लेने का वक्त आ गया है और जनता तय करेगी कि आखिर लोकसभा सीटों पर इस चुनाव में कौन सरताज बनकर निकल के आ जाओ। लक्ष्मण शर्मा, ये विधायक आगरा।